हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही बुरी खबर सुनी थी मैंने करीब जब मैं अपने ऑफिस में था। और आई होप अब तक तो सबको जो मालूम पड़ेगी होगी कि असम में एक बहुत हाई इंटेंसिटी का एक अर्थक्वेक आया और बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है उससे। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे। एक वीडियो में तो ये था कि रोड जो है वो बीच में से वो फट गई है, क्रैक आया उसमें। मतलब इतना हाई इंटेंसिटी का था कि रोड में भी जो है क्रैक आ गया। और कुछ बिल्डिंग्स मैंने देखी थी जो एक तरफ को झुक गई थी और बहुत डिस्ट्रक्शन हुई है। बाकी कितने लोगों की डेथ हुई है इस बारे में तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, पर आई होप जो है मतलब किसी की भी डेथ इसमें ना हुई हो। और जिनका भी लॉस हुआ है, भगवान आपको वो लॉस सहने की शक्ति दे। एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से जो है काम कुम जो है सब बंद पड़ा हुआ है, बहुत से लोगों की इनकम नहीं है, और ऊपर से ये अर्थक्वेक। मतलब भगवान कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाली टेस्ट ले रहे हैं हम सब का, या फिर वो हमें सजा दे रहे हैं हमारी गलतियों की वजह से। अब जो भी है, सही में ये न्यूज़ ना सुन के बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जो हिमालय रीजन के आसपास की होते हैं ना एरिया, वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत आता है। मतलब मैं तो सोचता हूँ कि यार वहाँ के लोगों का क्या ही होता होगा, मतलब हर साल कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और एक तो असम में हर साल मानसून में फ्लड तो मतलब आता ही आता है, और ऊपर से ही अर्थक्वेक वो भी काफ़ी मतलब आ ही जाता है। तो बड़ी टफ लाइफ वो होती होगी वहाँ के लोगों की। मतलब एक तो फ्लड का भी देखना पड़ता, वो भी ऐसा नहीं कि एक आध साल छोड़ के आता है, हर साल ही आता है, और ऊपर से अभी अर्थक्वेक। सो अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर किसी ऐसे बंदे को जानता है जिसका इस अर्थक्वेक की वजह से लॉस हुआ है, और अगर वो इस काबिल है कि वो हेल्प कर पाए, तो प्लीज़ ज़रूर हेल्प कीजिएगा। और जो भी मतलब जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो एक वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट कोई रिलीफ फंड मतलब अनाउंस करती है, तो आप में से जो भी हेल्प करना चाहते हैं वो प्लीज़ उस रिलीफ फंड में कुछ डोनेट कीजिए, जिससे जिससे क्या है कि उस वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस वहाँ के लोगों के लिए जहाँ पर इस अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा असर हुआ है मतलब उनकी हेल्प कर पाए। बाकी हम सबकी दुआएं असम के लोगों के साथ है, और आई होप आप मतलब ये सब कुछ बहुत जल्दी आराम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब जो लॉस हो गया है उसका तो कुछ जो है कर नहीं सकते, पर हिम्मत रखिए, सब कुछ एक दिन सही हो ही जाएगा। अब बात करते हैं अपनी वीडियो की। तो ये वीडियो जो है वो त्रिपुरा के एक बहुत क्या बोले आप इसे गुंडागर्दी वाली एक वीडियो है। मैंने देखी नहीं है, पर ये गुंडागर्दी वाला जो लफ्ज़ है ये उस सब्सक्राइबर ने मेरे यूज़ किया है जिसने मुझे ये रिकमेंडेशन भेजी है। तो देखते हैं क्या गुंडागर्दी हुई है इसमें। बाकी इसके टाइटल में लिखा हुआ है त्रिपुरा डीएम शैलेश यादव न्यू मैरिज हॉल में घुसकर डीएम की ये हरकत। ओके, ये जो है पूरा नहीं है क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा डाउनलोड मैंने किया हुआ है, और क्योंकि मेरा अभी नेट में बहुत दिक्कत थी तो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और डाउनलोडेड वर्जन में इसका पूरा टाइटल नहीं है। ओके, तो अब बाकी हम देखते हैं क्या है वीडियो, उसके बाद करेंगे अपनी बातें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और फिर देखते हैं क्या गुंडागर्दी हुई है। 1 2 3 लॉकअप में लेके जाइए। Permission is for marriage, not for marriage beyond 10 p.m.
ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। तुम लोग जो काम कर रहे हो काम कर बोलो कितने हैं, चलो वरना तुम भी जाओ उसके साथ। चलो तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके। पुलिस वालों को भी कह रहे हैं। यू ऑल आर हैंडिंग ग्लव्स विद दीस पीपल। अरे सिंह, यह जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यह त्रिपुरा राज्य के वेस्ट त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश यादव हैं। आधिकारिक आदेश की कॉपी फाड़ते, मेहमानों को भेड़ बकरियों की तरह हांक कर बाहर निकालते डीएम साहब का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल अगरतला के मानिक्या कोर्ट मैरिज हॉल में एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। कोरोना संक्रमण काल में तय की गई गाइडलाइन के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर डीएम शैलेश यादव वहां पहुंच गए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद डीएम ने जो किया वह शर्मसार करने वाला है। सबसे पहले उन्होंने आधिकारिक आदेश की कॉपी फाड़ी और फिर मेहमानों को भेड़ बकरियों की तरह से हांकना शुरू कर दिया। चाहे मेहमान हो, पंडित को खाना खा रहे लोग हो या फिर दुल्हा ही क्यों ना हो, साहब ने किसी को नहीं बख्शा। किसी को तमाचा मारा, किसी को गाली बकी, किसी को पुलिस के डंडे से पिटवाया। खुद चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकलने और मास्क नहीं पहने होने पर लोगों को धमकाया। डीएम साहब पांडाल में पहुंच गए और देखिए कैसे दुल्हे को भी गर्दन से पकड़कर धकेल दिया। डीएम साहब यही नहीं रुके, उन्होंने वहां मौजूद लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही मैरिज हॉल पर भी एक साल तक का प्रतिबंध लगा डाला और फिर उनके हाथ पुलिस तक भी पहुंचे। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना अभी काउंट कर बोलो कितने हैं, चलो वरना तुम भी जाओगे उसके साथ। चलो सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। I am bloody your district magistrate, okay? What is your name? तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग। You all are handing gloves with these people. सुना आपने? DM साहब ने पुलिस कर्मियों को भी गाली दी और सबको सस्पेंड करवाने की धमकी भी दे डाली। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री विप्लव देव ने मुख्य सचिव मनोज कुमार से रिपोर्ट मांगी है। DM साहब ने अपने इस व्यवहार के लिए माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, लेकिन उनके माफी मांग लेने से ना तो बच्चों के अंदर से रात का खौफ जाएगा और ना ही दुल्हे सहित अन्य मेहमानों की गरिमा लौटेगी। क्योंकि कानून का पालन कराना एक बात है और कानून के पालन के नाम पर इस तरह से गुंडागर्दी और बदतमीजी करते हुए ब्यूरोक्रेसी पर धब्बा लगाना एक अलग बात है। तो भाई पूरा मतलब इतना खो गया था वीडियो में। मैं सोच रहा था यार दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट डे था ये, जो अब नाइटमेयर बन गया है। सही में मतलब ठीक है, मतलब कोविड फैला हुआ है और वो डीएम है तो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है मेंटेन करने की जिम्मेदारी उन पे आती है, पर फिर भी कोई तरीका होता है। ये तो सही में यार मतलब कितनी गलत, क्या बोले, कितनी गलत तरीके से जो है वो ट्रीट किया सबको। पंडित को थप्पड़ मार दिया और दूल्हे को ऐसे गले से पकड़ के कर दिया और भी जो है बहुत बदतमीजी करी। अरे भाई ये सब बातें आराम से भी तो की जा सकती थी, आराम से बोल देते कि भाई कोविड फैला हुआ है और आपने जो जो टाइम पीरियड वो परमिटेड है आप उससे बाहर हो तो प्लीज़ ये फटाफट जल्दी बंद करो, ऐसा बोल देते। इतनी बदतमीजी करने की क्या ज़रूरत है? अब बाद में सही बोला कि बाद में माफ़ी मांग के कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों की बेइज्जती हुई है और दूल्हा दुल्हन की शादी ख़राब हो गई है वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे क्या ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया था। वो
और एक बार कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लाइफ में तुम्हें मिल जाए तो दिल में बहुत चुभता है, बहुत टाइम तक एक ना करवाहट और गुस्सा रहता है पूरी सिस्टम के लिए। ये सही में अपने जो है पोजीशन का थोड़ा कुछ ज़्यादा ही उसमें आ गए थे कि भाई मैं तो डी एम हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और जब पुलिस वालों के साथ भी थोड़े से कि वो बोली, चलो वो तो उनके सीनियर हैं और सीनियर थोड़ा बहुत बोल देते हैं, पर फिर भी जो जो ट्रीटमेंट पब्लिक के साथ किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि चाहे वो डीएम है पर वो पब्लिक की सेवा के लिए बने हैं। और वो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि यूपीएससी है, आप यूपीएससी का पेपर क्रैक करते हो, आईएएस बनते हो, तो आप एक पब्लिक सर्वेंट बनते हो, ठीक है, पब्लिक की सेवा करने के लिए, राज करने के लिए नहीं बैठे हो वहाँ पर। पर ये भाई साहब तो सही में अपने आप को राजा ही समझ रहे थे। ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं था, इसको और भी अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, तो लिटरली थोड़ी गुंडागर्दी ही थी। थोड़ा आराम से बोल देते, इतना सही में यार मतलब उनको सोचना चाहिए था कि भाई शादी हो रही है, भाई एक लड़का और एक लड़के की, आगे जाके उन्होंने ये सब मूवमेंट जो है याद करने होते कि हमारी शादी में क्या क्या हुआ था। अब वो ऐसे याद करेंगे तो कितना बुरा लगेगा उन्हें कि भाई मेरी शादी पे ऐसा हुआ था। और दूल्हे की कितनी बदतमीजी हो गई यार, मतलब अगर ये एक अरेंज मैरिज है तो मतलब सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना होता अपनी वाइफ के सामने, और शुरू में ही वो थोड़ी ऐसे मतलब उसको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि मेरी बहुत बेइज्जती हो। तो देखो डीएम वगैरह को एकदम निकाल तो नहीं सकते हैं, पर अब इनका सस्पेंशन हुआ है तो कुछ टाइम के लिए ही हुआ होगा, पर फिर भी इनको समझना चाहिए था। हालांकि मतलब इन्होंने जो माफ़ी तो मांगी है बाद में, पर फिर सही में कोई फ़ायदा नहीं है उस मतलब उस माफ़ी का, थोड़ा अच्छे से ट्रीटमेंट देना चाहिए था। आईएएस हैं और आईएएस से ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो शादी हो रही थी, कुछ और इलीगल काम तो हो नहीं रहा था। ठीक है भाई शादी के दौरान थोड़ा बहुत जो है मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, पर ये कोई तरीका नहीं है डील करने का। तो जो हुआ इनके साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मुझे भी बहुत गुस्सा होता, और फिर मुझे मालूम पड़ता कि जिस ऑफिसर ने मेरे साथ ऐसा किया है और उसका सस्पेंशन हो गया तो मुझे बहुत खुशी होती। तो पर फिर भी जो बुरी यादें मिल गई हैं वो तो मिल गई हैं। आप बताइएगा आपको ये वीडियो और इस डीएम शैलेश यादव का बिहेवियर कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इस डीएम साहब के बारे में। ठीक है, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और पेशेंस रखिए। मैं जानता हूँ ये टाइम बहुत टफ है सबके लिए, कोविड के लिए पोतों का जो है काम खुम सब छीन गया है, जॉब्स नहीं है, तो धीरे धीरे ये टाइम भी निकल जाएगा। टाइम की यही अच्छी बात होती है, अच्छा पल और बुरा पल, अच्छे पल की एक बुरी बात होती है और बुरे पल की एक अच्छी बात होती है, ये दोनों ही बीत जाते हैं। अच्छा पल भी बीत जाएगा ये उसकी बुरी बात है, बुरा पल भी बीत जाएगा ये उसकी अच्छी बात है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।